मथुरावासियों, भगवान कंस का भांजा। समय के साथ साथ कंस के मन से आकाशवाणी का भय निकल जाएगा। वो हमारी आठवीं संतान को नहीं मारेंगे। अब भगवान कंस के हाथों ना पहला बचेगा ना ही आठवां। कीर्तिमान को मैं उछाल उछाल कर खिलाऊंगा। गिनती भूल गया था मैं। तू बता सकता है इनमें से पहली कौन सी है और आठवीं कौन सी? यहां से भी शुरू करेगा, पहली आठवीं, आठवीं पहली। तू क्या कहना चाहता है आचार्य? मूर्ख वसुदेव, इतना भी नहीं समझा? तेरी सारी संतानों को मारूंगा मैं, तब मरेंगे। एक को मार चुका हूं और सात भी मरेंगे। उससे पहले मैं तेरी हत्या करूंगा। ये मेरी बहन का आदेश है, सुना नहीं तुमने? ये मेरे बहनोई श्री है पापियो, जान से मार दोगे कहीं? नहीं माता, नहीं खिला। चला जा मेरी आंखों के सामने से कल। अरे भाई के नाम पे कलंक है तू, तो मनुष्य नहीं असुर है। असुर बहुत बुरी मौत मरेगा कंस, तो बहुत बुरी मौत मरेगा। बस बस दे, चलो मुझे आज ही सब कुछ कह दोगी तो दूसरी संतानों की मृत्यु पर क्या कहोगे? समझ सकता हूं मैं तेरा दुख, पहली संतान की मृत्यु है ना, आदत पड़ जाएगी रो रो कर चुप होने की। जीवन भी मैं हूं और मृत्यु भी। ऐसी पीड़ा, इतना दुख, इतना कष्ट, क्यों प्रभु, क्यों? क्यों महाराज वासुदेव और देवी देवकी को आंसुओं के सागर में डूबना पड़ रहा है? क्यों एक माता पिता को दुख के दावानल में जलना पड़ रहा है? क्यों प्रभु? शांत हो जाइए देवी, संभालिए अपने आप को, धीरज रखें आप। नहीं प्रभु, मेरा धैर्य अब समाप्त हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यदि आपको देवी देवकी के कोख से जन्म लेना ही है, धरती पर अवतार धारण करना ही है, तो आप उनके छह पुत्रों की हत्या किए जाने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आपने उनके प्रथम पुत्र के रूप में ही जन्म ले लिया? देवी, यदि मैंने समय से पूर्व अवतार ले लिया तो ऋषि मरीचि के छह पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? ऋषि मरीचि के पुत्रों का उद्धार? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। देवी, इस जन्म में माता देवकी के प्रथम छह पुत्रों के रूप में जन्म लेने वाले सभी बालक पूर्व जन्म में ऋषि मरीचि के पुत्र थे, जिन्हें उनकी उदंडता के कारण ऋषि देवाला ने असुर होने का श्राप दिया था। तो क्या देवी देवकी के ये छह पुत्र असुर हैं?
नहीं देवी, ऋषि मरीचि के पुत्रों के क्षमा मांगने पर ऋषि देवाला ने उन्हें क्षमा कर दिया था, किंतु साथ ही उन्होंने उनकी मुक्ति का एक मार्ग बताया था कि अगले जन्म में उन सबका जन्म एक पुण्य आत्मा अर्थात माता देवकी के गर्भ से होगा और उन सबकी मृत्यु एक असुर अर्थात कंस के हाथों होगी, जिससे उन सबका उद्धार होगा। देवी, इसी कारण मैंने माता देवकी के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म नहीं लिया, ताकि उन छह ऋषियों का उद्धार हो सके और साथ ही उन नवजात शिशुओं की हत्या के कारण कंस ऐसे घोर पाप का भागी बनेगा कि उसका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। अक्रूर, प्रणाम महाराज। अक्रूर, सब ठीक तो है ना? महाराज आइए, चलिए, यहां से निकलने की पूरी तैयारी हो गई है। अक्रूर, अक्रूर, यहां से निकलना असंभव है। महाराज, इस असंभव को संभव होना होगा। यहां से निकलबे की सोचियो भी मती, वरना तुम्हें दुनिया से निकालबे को मेरो काम आसान है जाएगो, मतलब काम मक्खन है जाएगो। पूरन मासी, बहुत सही समय पे आई हूँ। ये लो, भगवान सत्यनारायण का प्रसाद। चतुर्भुज तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे यशोदा, तेरी सूनी गोद को खुशियों की किलकारियों से भर दे, तेरे घर आंगन में छम छम करती पैंजनिया बाजे। ये ले यशोदा, तू भी खा। नहीं माता पूरनमासी, मैंने प्रण लिया है, जब तक भगवान सत्यनारायण मेरी ममता की पुकार सुन नहीं लेते, मैं अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगी। यशोदा, चल। हे सत्यनारायण, यशोदा ने तो प्रण भी ले लिया है और वो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से तेरी आराधना कर रही है, किंतु इस बार परीक्षा भक्त की नहीं बल्कि भगवान की है और इस परीक्षा में तेरी भक्ति दांव पे लगी है। नारायण, तुझे इस बार की ममता की पुकार सुननी ही होगी। No! No!
देवताओं, ये रहा तुम्हारा पारिजात का दूसरा फल। भगवान कंस इसे भी तुम्हारे ही पास भेज रहे हैं। पहुंच गया। तुम देवकी की दाई बनकर हर पल उसके साथ रहोगे और मेरे प्यारे भांजों की शुभ सूचना मुझे दोगे। स्मरण रहे, वसुदेव और देवकी मुझसे कोई छल ना कर पाए। जो आ गया महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दास है जनता, मैं स्वामी हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महारानी मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु कंस का महल हमारी कूटनीति से कहीं अधिक अभेद्य है और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं अपने 6 युवराजों की हत्या में सम्मिलित हूं। और अब साथ अक्रूर जी, मुझे केवल एक बार देवकी से मिलवा दीजिए। कुछ भी कीजिए, कुछ भी। किसी भी समय सातवीं शिशु का जन्म हो सकता है। महाराज, मेरे इस संतान को बचा लीजिए। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी 6 संतानों की हत्या होते हुए देखी है। अब मेरा हृदय ये नहीं सहन कर सकता। महाराज, हमारी सातवीं संतान को कुछ नहीं होगा देवकी। दीदी, आंसू पोंछ लो देवकी।
मैं हमारी संतान को कुछ नहीं होने दूंगी। रोहिणी, तुमको अपना जीवन संकट में डालकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। रोहिणी, तुम पर महेशमती की प्रजा का पूरा उत्तरदायित्व है। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, किंतु मैं क्या करती? मेरे लिए मेरे जीवन से कहीं बढ़कर हमारे संतान की रक्षा करना है। दीदी, मेरे संतान को बचा लो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। ये शिशु तुम्हारे गर्भ में अवश्य पल रहा, किंतु मैं भी इसकी माँ हूँ। माँ भवानी सब ठीक कर देंगे। देवकी, ये माँ भवानी का प्रसाद है। हे माँ भवानी, यदि मैंने जीवन भर सच्चे मन से तेरी आराधना की है, तो देवकी की संतान को मुझे यहाँ से ले जाने का आशीर्वाद दे। देवकी को शक्ति दे और मुझे थोड़ा समय। बद्राक्ष, वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी चुप नहीं बैठेगी, इसलिए देवकी और वासुदेव पर हर पल दृष्टि रखनी होगी। दृष्टि रखेंगे ना ये पूतना, निकाल के चिपकाए देंगे। वासुदेव और देवकी जहाँ जहाँ जाएंगे परछाई की तरफ बाके साथ होंगे। काम मक्खन है जागो। महाराज, हमें तुरंत निकलना होगा, कंस के सैनिक इस ओर आ रहे हैं। अक्रूर जी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमारी संतान सुरक्षित नहीं हो जाती, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें शीघ्र ही यहाँ से जाना होगा। नहीं महाराज, मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरा आदेश है। आदेश? दक्षिण द्वार पे जाओ और बाहर के सैनिकों से कहना, आने वाले कोई भी संकट से चौकन्ना रहे। और काम मक्खन है चाहिए। महारानी, यहाँ दो तीन स्थान ऐसे हैं जहाँ सैनिक कम होते हैं, हमें उन्हीं स्थानों से होते हुए गुप्त मार्ग तक पहुँचना है। आइए महारानी। अक्रूर जी, आप यही रुकिए, महाराज वासुदेव और देवकी को आपकी यहाँ अधिक आवश्यकता। किंतु महारानी, मैं आपको यहाँ मैं स्वयं को संभाल लूंगी, आप उन तीनों का ख्याल रखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा।